एक बजने में 5 मिनट बाकी है। अभी जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मैं अपने घर से निकल रहा हूं, और जैसा कि आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूं कि हमारे घर से तकरीबन 1200 फीट के फासले पर ही है ये मस्जिद, जामा मस्जिद बॉन्टोन न्यू जर्सी का एरिया है ये। माशाल्लाह इसमें मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है और गर्मी भी नहीं है, ठंड है थोड़ी सी। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। अपने बॉन्टोन में अपने पाकिस्तानी बेशुमार फैमिली रहती हैं यहाँ पर, तो माशाल्लाह मस्जिद भी पूरी भर जाती है। आम दिनों में भी 5 वक्त की नमाज में भी और जुम्मे में तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अभी मेरे बच्चे भी जो हैं वो पहुँच रहे हैं, मेरे फादर इंदा भी जा चुके हैं वहाँ पे। आज हमारे दोस्त जमील साहब हैं, मोहम्मद जमील जिमी, उनकी वालदा की बरसी भी है, तो उनकी जानिब से भी आज कुछ खाने का एहतमाम है। ये अल्लाह का फजल है कि यहाँ अमेरिका में मसाजिद में कोई ना कोई खुशी या गमी की तकरीब में खाने का और दिगर एहतमाम होते रहता है। कल भी इकबाल साहब जो हमारे यहाँ के बॉन्टोन के बहुत ही मशहूर समाजी शख्सियत हैं, मोहम्मद इकबाल साहब, उनकी जानिब से कल इशा की नमाज के बाद भी पाए का एहतमाम किया गया था। मस्जिद के बेसमेंट में वो था, और वहाँ बेसमेंट में ही बाकायदा सब लोगों ने खाए थे पाए। आज पिकअप का बंदोबस्त है वहाँ पे, मैं मस्जिद के सहन में कुछ जो भी पुलाव वगैरह का कल रात को इशा की नमाज में डिस्कस हो रहा था, जो बरसी के मौके पे अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बरसी है आज, तो उनकी जानिब से आज ये एहतमाम किया गया है। चले फिर आपको मस्जिद में मुलाकात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये सामने ही माशाल्लाह हमारी मस्जिद है, जामिया मस्जिद बॉन्टोन, हमारे यहाँ के बॉन्टोन एरिया की। वो सामने जो जा रहे हैं वो मेरे फादर इन-लॉ जा रहे हैं, देखे माशाल्लाह यहाँ से वो भी वॉक करके घर से पैदल मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मेरी वाइफ के वालिद साहब हैं, मेरे फादर इन-लॉ हैं, ये हर फ्राइडे को और वैसे भी जब मौका मिलता है यहाँ मस्जिद की तरफ पैदल आ जाते हैं। ये अभी मेरे दोनों बेटे भी बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका में तो ज़्यादातर जॉब्स वगैरह ऑनलाइन होती है, मगर ये फ्राइडे को तो अपना ब्रेक लेते हैं नमाज की वजह से। और यहाँ पे अभी लोग अंदर पहुंच भी चुके होंगे बहुत सारे लोग, और पहुंचने भी चाह रहे होंगे, आ रहे होंगे। बहुत अच्छा बेहतरीन खूबसूरत मौसम है। ये हमारा बॉन्टोन पहाड़ पर बना हुआ है, बेइंतहा खूबसूरत। देखें जितना आगे जाएंगे तो और ऊपर है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मस्जिद का पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह। एक फर्क लिखा है, इस्तिगफार और तौबा में फर्क यह है कि इस्तिगफार होता है अपने माजी के गुनाहों पर नादे नारे करना, और तौबा होता है कि आइंदा गुनाह न करने का अहद पैमान करना। इस्तिगफार भी करता रहे, साथ गुनाह भी करता रहे,
तो फरमाया कि ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात माफी नहीं अता फरमाता, माफी तुम्हें कब मिलेगी कि जब तुम अपने माजी पर शर्मिंदा होकर नादिम होकर इस्तग़फ़ार करोगे और फिर उसके बाद तौबा करोगे कि अल्लाह यह जो पैमान करता हूँ कहिंदा के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो शरीयत ने फरमाया कि अंदेमो तौबतन के फरमाया कि नदामत ही तौबा है। नदामत क्या है? तौबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है कि क्यामत वाले दिन सबसे ज्यादा खुशबो शख्स होगा, क्यामत वाले दिन सबसे ज्यादा खुशबो शख्स होगा जिसके बारे में फरमाया कि फी सही फतेह इस्तिग़फारन कसीरन। सहीफा कहते हैं नाम अमाल को कि जब वो अपना नाम अमाल देखेगा तो अपने नाम अमाल को देखने के बाद कसरत से इस्तिग़फार देखेगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। सबसे ज्यादा वो खुश होगा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सबसे ज्यादा खुश होगा कि फी सहीफा इस्तिग़फारन कसीरन कसरत के साथ इस्तिग़फार जब उसके नाम अमाल में हो। बड़े अच्छे दोस्त मोहम्मद जमील इकबाल साहब की वालदा की बरसी है, उसके लिए दुआ भी की गई और अल्लाह ताला उनकी वालदा को जवार रहमत अता फरमाए। जमील साहब आज वालदा की बरसी भी है, किस साल कितने साल हुए? चार साल। यहीं इंतकाल हुआ इनका? माशाल्लाह 1989 से मेरे साथ है। 89 से यही थी? बिल्कुल। चले अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आज पूरे जुमे की नमाज में उनके लिए दुआ की गई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी। और आज आपकी तरफ से लंगर भी है ये पूरा सारा माशाल्लाह। Places like this is actually. इकबाल साहब है यहाँ हमारी बॉन्टोन की बहुत बड़ी सोशल फिगर है माशाल्लाह। आए दिन मस्जिद में इनकी तरफ से दावत होती रहती है, कल रात को भी इनके हमने पाए खाए। आज जमील साहब की वालदा की भी जो है बरसी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस करे। आमीन। इस लंगर भी इनकी तरफ से कैसा अहर लग रहा है आपको ये लंगर वगैरह? बेहतरीन। और जमील साहब बता रहे हैं कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाया माशाल्लाह। अच्छा, कल आप पाए में नहीं थे, सुना था कल आपकी डॉक्टर जो उमरा करके आई थी तो मैं वहां गया था। अच्छा, और पता चला था आप यहाँ 90 के करीब लोग उमरे पे गए थे? 94 तो वो आपके दामाद लेके गए थे सबको? अच्छा, पर हेड क्या आया था उसमें इकबाल साहब? मुझे नहीं पता है। जी शायद साहब बता रहे हैं अंदर से आ रहे हैं। खालिद साहब घर के अभी आए। अच्छा, उनसे मिलते हैं। बिल्कुल अंदर है वो बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप ठीक है खैरियत से इकबाल साहब? माशाल्लाह बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। कौन? नहीं वो तो उम्रे पे गए हुए। हाँ उम्रे पे गए। वालेकुम। हमारे इमाम साहब हमारी मस्जिद के जामा मस्जिद बोंटन के मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब, माशाल्लाह इनकी बहुत खिदमत है और इनके वाज इनकी तिलावत और इनकी कीरत ऐसी जबरदस्त है और कराची से बिलोंग करते हैं। तो इमाम साहब कितने साल से हमारी मस्जिद में यहाँ पर? एक साल हुआ है माशाल्लाह। तो एक साल से यहाँ पर हैं तो यहीं बाकायदा रिहायश भी ऊपर इख्तियार की हुई है। अच्छा, तो फैमिली को कब बुलाएंगे आप? इंशाल्लाह आ जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। कराची में कहाँ से है वैसे आपका? कराची शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी पे। तो वहाँ कहाँ पर आप थे? वहाँ पर जामा मस्जिद खजरा।
अच्छा माशाल्लाह वेरी गुड। 22 साल इमामत की है। सुभानअल्लाह 8 साल लियाकताबाद मदीना मस्जिद। सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या बात है माशाल्लाह बहुत बहुत बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह बहुत यहाँ तो बहुत ज्यादा सारे के बारे आमीन आमीन माशाल्लाह।